Hi friends, so let's continue with the super quick revision of SCMPE. This is your lecture number 4 in that series. Hum log CVP analysis se continue wo kar rahe hain. So in this lecture, what we all try to see are some very important concepts. Kabhi kabhi apne ko koi bhi offer ya proposal accept karne ke liye, we will require to incur some capital cost. So we had few sums in that particular series, wo ek cheez hai. Dusra, the concept of limiting factors. As you all are aware, mostly wo limiting factors ke upar questions do come only. So let's start now on capital cost. Okay, to suno. Agar capital cost kabhi diya hua hai, for a small example, a customer mere paas aata hai, wo bolta hai ki sir, ye wala product aap mere liye banaiye. Suppose mere ko uske liye machine kharidne ki zarurat hai. Okay. Machine ka life mostly to diya rahega, lekin shayad nahi bhi diya ho. That is one thing. आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. आई वॉज ट्राइंग टू थिंक लाइक यू नो मेरे कंपनी के ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे. सो देयरफॉर आई थॉट ऑफ कि फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस आई विल रिक्वायर से अ मशीन जिससे मेरा स्टाफ जो है बेटर मैनेज हो जाए. से वो लोग किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम पे जाते हैं. आई थॉट आई विल बाय अ बायोमेट्रिक मशीन. ऐसा भी हो सकता है. इफ़ यू बाय अ बायोमेट्रिक मशीन, लाइफ शायद आपके पास होगा, शायद ना भी हो. तो वी आर ट्राइंग टू केटर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो सुनो, फर्स्ट, अगर कभी कैपिटल कॉस्ट दिया होगा तो, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टॉक. अगर कभी कैपिटल कॉस्ट दिया होगा तो, अच्छा, अगर कैपिटल कॉस्ट दिया होगा तो उसके बाद ध्यान से सुनना. लाइफ आप लोगों को दिया हुआ है. सपोज आपको लाइफ ऐसे दिया हुआ है, लाइफ इज 5 ईयर्स, ठीक है, ऐसा दे के रखा हुआ है. मतलब आपका जो एसेट है विल बी लास्टिंग फॉर कितना ईयर्स, 5 ईयर्स. अभी ऐसे केसेस के ना, फर्स्ट थिंग, अगर आपको कभी डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आपको कभी डिस्काउंटिंग फैक्टर देकर रखा हुआ है तो फिर आप एक काम जरा करना, देन यू ट्राई टू कैलकुलेट एनपीवी. एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना रिजेक्ट कर लेंगे. दिस इज लाइक एनी अदर क्वेश्चन जो आईपीसीसी के अंदर भी था. यहाँ पे यू आर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है. दूसरा, कभी कभी डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया जाता है तो एट दैट टाइम आई इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मतलब पैसे का खर्चा जब मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, आपको कोई एक ऑफर वो आया है जिसके लिए आपको एक मशीन चाहिए. दैट ऑफर विल बी लास्टिंग फॉर 5 ईयर्स. दैट ऑफर विल बी लास्टिंग फॉर 5 ईयर्स और आपको उसके लिए एक मशीन खरीदना पड़ेगा जिसका कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ का होगा, ठीक है. आप लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं दिया हुआ, मतलब आप लोग को डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया हुआ, तो फिर अभी ऐसे केसेस के अंदर दो ऑप्शन कर सकते हो. दैट आई हैव टोल्ड इन क्लास ऑल्सो. फर्स्ट, ईदर कैलकुलेट फॉर 1 ईयर एंड देन टेक कैपिटल कॉस्ट फॉर 1 ईयर. तो आप क्या करो, उस ऑफर से हर साल जो भी रेवेन्यू आएगा वो लिख लो, हर साल जो भी कॉस्ट लगेगा वो लिख लो, और बीच में यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट भी लिख लेना. कितने रुपीज़ का, 1 लाख अपॉन 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000. माइंड यू, ये डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग स्मॉलर कैलकुलेशंस आई एम ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग प्रपोर्शनेट फॉर 1 ईयर. अगर एक साल के लिए एक्सेप्ट करते हो, मतलब इट इज प्रॉफिटेबल फॉर ईच ईयर. दिस इज वन थिंग, ठीक है. या फिर इसी केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, हर चीज आप लोग 5 साल के लिए लो. आप लोग 5 साल का रेवेन्यू लो, ठीक है, फिर आप लोग 5 साल का कॉस्ट लो. फिर ऑब्वियसली यहां पर आप लोग जब भी कैपिटल कॉस्ट लोगे तो भी आप लोग कितने ईयर्स का लोगे, 5 ईयर्स. 5 ईयर्स के लिए जो मशीन का कॉस्ट है कितने रुपीज का है, 1 लाख. Obviously this answer will be 5 times of your previous answer. ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, आपको जैसे सॉल्व करने का है कर सकते हो, ठीक है. ये है अगर आप लोगों को लाइफ दिया हुआ है तो. आई रिपीट, अगर लाइफ दिया हुआ है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, एनपीवी निकालो. डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर नहीं दिया हुआ है तो इन दैट केस ईदर कैलकुलेट फॉर 1 ईयर और कैलकुलेट फॉर द इंटायर 10 ईयर. ये हो गया एक चीज. दूसरा ऑप्शन टू, सॉरी, नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट, कैपिटल कॉस्ट लाइफ नॉट गिवन. ऐसा आपके 3-4 क्वेश्चंस के ना वो हुआ था, अपने को लाइफ ही नहीं दिया जाता. अगर अपने को लाइफ नहीं दिया जाता, वी अज्यूम लाइफ टू बी इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब आज एक बार एसेट खरीद ले, जिंदगी भर के लिए चलेगा. एग्जाम्पल, एज आई हैड टोल्ड यू आई थिंक इन द क्लासेज ऑल्सो, सपोज अगर मैं एक ERP सिस्टम खरीदता हूँ फॉर माई क्लासेज, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ऐसी चीज़ों का लाइफ नहीं होता, दे विल बी लास्टिंग फॉर एवर ओनली. सपोज मेरा जो सॉफ्टवेयर है विल बी कॉस्टिंग मी 2 लाख रुपीज़. 2 लाख रुपीज़ विल बी 1 टाइम कैपिटल कॉस्ट फॉर इन्फिनिटी.
तो ऐसे केसेस के अंदर अगर लाइफ नहीं दिया हुआ, इट इज़ इनफाइनाइट. अगर इनफाइनाइट है तो आप इस कॉस्ट को भूल जाओ, बिकॉज इट इज़ वन टाइम कॉस्ट फॉर एवर फॉर एवर. एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने अपने CA फाइनल क्लियर करने के बाद, सपोज यू गॉट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ओके, एंड देन यू थॉट सर मेरा ना पर्सनैलिटी नहीं अच्छा, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करेगा, उसका खर्चा 10,000 रुपये का होगा. अभी क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नो डजेंट गिव यू बेनिफिट फॉर वन ईयर, इट गिव्स यू बेनिफिट फॉर एवर. तो ऐसी चीज़ों की कॉस्ट के बारे में आप लोग नहीं बात कर सकते, बिकॉज देर इज़ अ बेनिफिट दैट विल बी कमिंग फॉर एवर. तो ऐसे क्वेश्चन के ना आप लोग क्या करो, कैपिटल कॉस्ट इग्नोर कर दो क्योंकि उसका बेनिफिट हमेशा आएगा, एंड देन ट्राई टू कैलकुलेट एवरीथिंग फॉर वन ईयर. ओके, तो अगर कोई प्रपोजल है सोचो वहां से रेवेन्यू कितने का आएगा फॉर वन ईयर और कॉस्ट कितने रुपीस का होगा वन ईयर. जब ये कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हो, जब ये कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हो तो किधर भी ये 2 लाख रुपीस या उसका कोई भी पार्ट नहीं कंसिडर करना, क्योंकि लाइफ इज इनफाइनाइट. हाँ, अगर सपोज ये 2 लाख रुपीस देने के लिए आप लोगों ने कोई FD तोड़ा तो उसका इंटरेस्ट लूज हो गया, वो सब कुछ करो, वो तो रिकरिंग कॉस्ट है, वो कैपिटल कॉस्ट नहीं है, वो रिकरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो आप उसके बारे में बात कर लो. लेकिन यहां पर यू विल नॉट हैव टू बी टॉकिंग अबाउट द कैपिटल कॉस्ट. ठीक है, ये हो गया अपना इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट कि कैपिटल कॉस्ट अगर हुआ तो क्या करने का. ठीक है, मोर अबाउट कैपिटल कॉस्ट वेन वी कम टू योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग. ठीक है, वो तब आ जाएगा, अभी के लिए इतना बहुत है. लेट्स कंटिन्यू. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर मतलब कोई चीज़ की कमी है, मशीन आर्स नहीं है, लेबर आर्स नहीं है, मटीरियल नहीं है, लैंड नहीं है, ओके, इट कुड बी एनीथिंग दैट इज इन शॉर्ट सप्लाई. तो कॉमन सेंस है, वट एवर इज देयर इन शॉर्ट सप्लाई यूज इट इन अ प्रॉपर वे, यूज इट इन अ प्रॉपर वे, दैट्स इट. ओके, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. मशीन आर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट XYZ, तो हम लोग को XYZ बनाने का है जिसके लिए अपने को मशीन आर्स चाहिए, लेकिन मशीन आर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई मतलब XYZ सब कुछ नहीं बन सकता. तो हम लोग सोचेंगे पहले क्या बनाऊँ, फिर क्या बनाऊँ, फिर क्या बनाऊँ. ऐसे क्वेश्चंस के अंदर वी सिंपली डू वन थिंग. देखो अपने को क्वेश्चन क्या बोलेगा, वी हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज सो एज टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट. नाउ ऐसे क्वेश्चंस के ना इम्प्लाइड अजम्पशन, फिक्स कॉस्ट तो भाई सेम ही रहेगा. अगर तेको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा चाहिए तो देखो सबसे पहले ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो चाहिए. अगर तेको ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए लेकिन मशीन आर्स की कमी हो गई, अगर मशीन आर्स की कमी हो गई, गिव द रैंक्स बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर, गिव द रैंक्स बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर. सो देयरफॉर रैंक शुड बी बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर. तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर आप लोग निकाल लो. कैसे निकालोगे बेटा, इट इज़ वेरी सिंपल, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाई मशीन आर्स पर यूनिट. तो आप लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर, वेर एवर इट इज हायर दैट ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन. तो पहले वो बना लो, फिर सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, फिर थर्ड बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कि वन रिसोर्स इज इन शॉर्ट सप्लाई. ये मेरा केस वन था, केस वन वॉज वन रिसोर्स इज इन शॉर्ट सप्लाई. अभी केस टू देखना जरा चीज़ें कैसे बदलती रहेंगी. हम लोगों ने हर एक चीज़ के ऊपर सम्स करके वो रखा हुआ है. लेबर आर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, सेम क्वेश्चन एक्चुअली. इफ लेबर आर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई यू विल गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन व्हाट फैक्टर यार, कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर. तो मैंने भी तो वही लिखा हुआ है इधर. सो देयरफॉर इन दिस केस बाकी सब कुछ सेम है. सपोज लेबर आर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, वी मैन्युफैक्चर XYZ, वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट क्वांटिटी सो एज टू मैक्सिमाइज अ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट. ऐसे केसेस के अंदर वी गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर, क्योंकि लेबर आर इज इन शॉर्ट सप्लाई. कुछ भी अलग नहीं था, अब अलग है. जरा देखो केस थ्री, मशीन आर्स इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड लेबर आर्स इज ऑल्सो इन शॉर्ट सप्लाई. तो अभी दो दो चीजें हैं जिसकी कमी है. तो जरा सोचो फिर अभी रैंक्स दो बार आएगा. कैसे, एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर के हिसाब से, एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर के हिसाब से. अब मैंने सॉल्व किया, सपोज कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकाला. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर सबसे ज्यादा वाई का आया, फिर एक्स का आया, फिर जेड का आया. अकॉर्डिंगली मैंने इधर रैंक्स लिख दिया 2, 1, 3. फिर मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकाला. भगवान को बहुत प्रे किया, रैंक्स डिट्टो सेम आ गए, वाई का फर्स्ट, एक्स का सेकंड और जेड का थर्ड. तो फिर क्या करो, कहानी ख़त्म हो गई. पहले क्या बना लेने का वाई, फिर क्या बना लेने का एक्स, फिर क्या बना लेने का जेड,
क्योंकि रैंक्स हैव कम सेम नो, तो दैट टाइम यू प्रोड्यूस. ओके, बात खत्म हो गई. लेकिन तुमको समझ में आएगा, तुम लोग प्रार्थना करो जो मर्जी करो, प्रार्थना विल नॉट ऑलवेज हेल्प यू. तो रैंक शायद अलग अलग ही आएंगे, वो मेरा केस फोर है. मशीन आर्स एंड लेबर आर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई. वी मैन्युफैक्चर एक्स वाई जेड. वी हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी मैन्युफैक्चर एंड व्हाट क्वांटिटी सो एज टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट. आगे जरा देखना. वी गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन पिछले क्वेश्चन की तरह कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर. लेकिन अपना पोपट हो गया. क्यों? Y का फर्स्ट रैंक आया, X का सेकंड रैंक, Z का थर्ड रैंक, बेस्ड अपॉन व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर. लेकिन कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर के हिसाब से Z का फर्स्ट रैंक आया, Y का सेकंड आया, X का थर्ड आया. बॉस अगर ऐसा आया तो मैं पहले क्या बनाऊं? शुड आई मेक Y, शुड आई मेक Z? तो फिर ऐसे क्वेश्चंस ना आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते थ्रू दिस कंसेप्ट. तो अभी तुमको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं होगा. तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के ना क्या करें? सिंपल बात है, यूज एलपीपी एंड कम अक्रॉस योर आंसर्स. ठीक है, यूज एलपीपी एंड कम अक्रॉस योर आंसर्स. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर आप लोग एलपीपी का अपना कोई भी क्वेश्चन याद कर लो. सबसे पहले डिफाइन योर वेरिएबल्स. डिफाइन योर वेरिएबल्स मोस्टली कुछ ऐसा हो जाएगा, लेट ए वन ए टू and A3 be the number of units of X, Y and Z to be produced and sold respectively. That is one thing. Uske baad set your objective function. Usually tumhara objective function will be maximize. Hum log ek letter use kar leta hai Z. Okay. To maximize contribution ya maximize profit. Aap log uska equation dal do. उसके बाद जो भी तुम्हारे कंस्ट्रेंट्स हैं लिख डालो. कंस्ट्रेंट्स कुड बी सर मशीन आर्स नहीं है, कंस्ट्रेंट्स कुड बी लेबर आर्स नहीं है. तो फिर आप लोगों को उसका इक्वेशन बनाकर वो लिखना पड़ेगा. एक बार वो कर लिया, हर एक कंस्ट्रेंट तुम्हारे ग्राफ पेपर के ऊपर आएगा इन फॉर्म ऑफ अ लाइन. ठीक है, लाइन प्लॉट करने के लिए आपको दो पॉइंट्स की जरूरत है. एक बार एक को जीरो लेना, दूसरा आंसर आ जाएगा. दूसरा को वो जीरो लेना तो ये वाला आंसर आ जाएगा. दो पॉइंट आ जाएगा, लाइंस बना लेना ऑन योर ग्राफ पेपर. ऑब्वियसली लाइन स्केल से बनाना, इट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. लीनियर बोले तो स्ट्रेट लाइन. ओके, आगे फीजिबिलिटी रीजन वो निकाल लेना, और फीजिबिलिटी रीजन का वर्टाइसिस की अपने को जरूरत पड़ेगी. अगर वर्टाइसिस ग्राफ देख के ना पता चले तो एवरी पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, वो टू लाइन्स का इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर ले आना. एक बार सारे वर्टाइसेस आ गए, सारे वर्टाइसेस का जो कोऑर्डिनेट्स है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर डाल दो, और जो भी हाईएस्ट तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल फॉर्म योर कंक्लूजन एज सच. हम लोगों ने एलपीपी के काफ़ी क्वेश्चंस किए, सो दे वर बेस्ड अपॉन सच काइंड ऑफ अ थिंग ओनली. ठीक है, चलो ये वाला काम हो गया. तो एक मिनट, अभी तक चार केसेस कौन से किए? एक ही लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आर्स, गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर. एक ही लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आर्स, गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर. दो लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आर्स एंड लेबर आर्स, रैंक सेम आ गए फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया. रैंक्स अलग आ गए, यूज एलपीपी कम अक्रॉस द आंसर. सारे केसेस तो हो गए, क्या बाकी है? बाकी है बेटा फिफ्थ, कंपनीज थिंकिंग बराबर से देखना टू मैन्युफैक्चर एक्स वाई जेड, बट फॉर दैट मशीन आर्स इज रिक्वायर्ड विच आर इन शॉर्ट सप्लाई. तो मशीन आर्ट्स की कमी है और आपको एक्स वाई जेड बनाने का है. हेंस द कंपनी इज थिंकिंग टू परचेज वॉट एवर इट कैनॉट मैन्युफैक्चर. तो कंपनी ने क्या सोचा हुआ है? जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता क्योंकि मशीन आर्ट्स नहीं है, सर दोज वी विल परचेज सर. ठीक है, ऑब्वियसली एक चीज इंप्लाइड है, गिवन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज लोअर देन परचेज कॉस्ट. मतलब अज्यूमिंग कि हम लोग बनाएंगे तो कम खर्चा होगा एज कम्पेयर टू अगर खरीदेंगे तो ऑब्वियसली अपना फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? बनाएंगे. लेकिन बनाने के लिए आर्स चाहिए, आर्स ही तो नहीं है. तो मैंने क्या सोचा हुआ है? जो चीज़ हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते वो हम लोग क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे. तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर वॉट यू हैव टू बी डूइंग, देखो, वी हैव टू डिसाइड वॉट शुड बी मैन्युफैक्चर एंड वॉट शुड बी परचेज एंड इन वॉट क्वान्टिटीज सो एज टू मैक्सिमाइज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन, क्या लिखा हुआ है बेटा? सेविंग्स पर मशीन आर. सेविंग्स पर मशीन आर कैसे कंप्यूट होता है? पहले आप लोग सेविंग्स पर यूनिट निकालो. सेविंग्स पर यूनिट जो है कैसे कंप्यूट हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, माइनस परचेज कॉस्ट, सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा? सेविंग्स पर यूनिट. लेकिन ये सेव करने के लिए आप लोगों को आर्स की जरूरत पड़ेगी.
अगर आपको एक मिनट, ये सेव कब करोगे? जब भी गुड्स बनाओगे, गुड्स बनाने के लिए मशीन आर्स की जरूरत पड़ेगी, मशीन आर्स की जरूरत पड़ेगी. सो डिवाइडेड बाय इन दिस पर्टिकुलर केस आर्स पर यूनिट. बस द मोमेंट यू डू दैट, दिस विल बी गिविंग यू सेविंग्स पर आर ओवर हियर. दैट्स इट. ओके, जिधर भी सेविंग्स पर आर सबसे ज्यादा होगा, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन एज सच. ठीक है, ये वाला काम हो गया. हम लोगों ने ये वाला चीज एक क्वेश्चन से किया था, वो पूरी भाजी वाला क्वेश्चन जो मैंने बना के रखा हुआ था बुक के अंदर. ओके, तो वो वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना, जस्ट टू गेट द नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, आगे. अभी ये चीज ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस थिंग इज वन थिंग दैट मेनी पीपल डू रॉन्ग. के सिक्स हम लोगों ने ऐसे दो क्वेश्चन किए थे. मशीन आर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, परफेक्ट. वी हैव टू प्रोड्यूस एक्स वाई जेड. प्रॉब्लम हैज टोल्ड कंपनी विल ओनली प्रोड्यूस वन सिंगल प्रोडक्ट. मतलब या कंपनी एक्स बनाएगा, या वाई बनाएगा, या जेड बनाएगा, तीनों नहीं बनाएगा. अपने को नहीं डिसाइड करने का है क्या कितना बनाओ, आपको नहीं डिसाइड करना है. सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डू नॉट अप्लाई फंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर. सिंपली क्या करो, तीन अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनाओ. अगर सिर्फ एक्स बनाएगा प्रॉफिट कितना, सिर्फ वाई बनाएगा प्रॉफिट कितना, सिर्फ जेड बनाएगा प्रॉफिट कितना. जिधर भी प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन. ओके, सो प्रोड्यूस एक्स वाई और जेड वेयर एवर प्रॉफिट इज हाइएस्ट. इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम, देन कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो डू. अगर तीनों केसेस के ना फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, देन इन दैट केस यू ऑल कैन बी गोइंग फॉर हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. ठीक है, ये जो सिक्स केसेस हैं बराबर से एक बार वो देख लेना. ओके, बस दैट इज वॉट एवर वी हैड टू बी डूइंग इन दिस. ओके, लिमिटिंग फैक्टर इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, एनश्योर दैट यू सॉल्व द क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव डन इन क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम्स. ओके, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.